मैम थोड़ा पीछे रखिए ना, अरे थोड़ा पीछे आ जाओ यार। अभी यार मैम, मैम जनता नहीं, मैम पहले मास्क डालो ना आप। बहुत एक्साइटेड हूँ, एक बहुत ही सुपर हिट शो जो हम सबको उसका हिस्सा बनकर बहुत खुशी हुई है। मुझे पता नहीं था कि ये शो इतना ज़्यादा, इसकी मैसिव रीच है। इस देश का, सिर्फ इस देश का ही नहीं, आई थिंक दुनिया का हर बच्चा इसको देखता है, बड़े इसको देखते हैं, बुज़ुर्ग इसको देखते हैं। मैं कहीं भी जाता हूं तो मॉल में वहां पे लोग खतरों के खिलाड़ी देखते हैं। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूं, ये शो देखने के लिए बहुत मज़ा है, करने के लिए उतना मज़ा नहीं है। करते वक्त मुझे उतना पर्सनली मज़ा नहीं आता, इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी टैक्सिंग शो, बड़ा मुश्किल शो है ये फिजिकली। बट आज हमारा फिनाले है, कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर शो, बेटर टीम, एंड बहुत खुशी हो रही है। जो होना होता है वो होता है, ये होता तो अच्छा होता है, वो समय सोचता नहीं हूँ, जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, एंड अगर होना होता तो हो जाता। मेरे हिसाब से सबसे टफेस्ट कंटेस्टेंट है, सबसे सॉलिड है वो एक लड़का है राहुल वैद्य, तो मुझे लगता है वो सबसे कमाल का उसने परफॉर्म किया है, एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट परफॉर्मर इन द शो। राहुल, रोहित सर ने खुलासा कर दिया जी, राहुल सर जी से नहीं, तुम अभी सर से जाके पूछता हूँ, सर हमें भी बताइए कि क्या है, खुलासा अभी होने ही वाला है थोड़ी देर में। बट थैंक यू गाइस, थैंक यू राहुल, थैंक यू भाई। सेंटर में, सेंटर में राहुल दा, वहां फोटो के बाद यहां पे हां, सेंटर राहुल भाई इधर, भाई लुक के सेंटर, सेंटर देखिए राहुल भाई, लेफ्ट मैं यहां पे हूं। राहुल भाई सेंटर आपके सामने, राहुल भाई इधर इधर इधर। आप लोग मुझे राहुल भाई क्यों बोल रहे हो? राहुल जी, राहुल जी बाबा, क्या बोलूं बाबा, 3 2 1 बाबा। राहुल बाबा सेंटर, बाबा इधर आओ सेंटर, बस 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 राइट राइट। सर मत कहो, सर बहुत शरीफ लगता है। बाबा से लगा ना, देखने थोड़ा।